चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई ने एनुअल रिपोर्ट में ए प्लस कैटेगरी में शामिल किया है, जिसके चलते लोगों ने बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में सभी क्रिकेटर्स की रिपोर्ट्स बीसीसीआई ने पेश की थी, जिसमें जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ियों की कैटेगरी में शामिल कर रखा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने खिलाड़ियों के सालाना गेम दिन अनुबंध की घोषणा कर दी है। चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे जसप्रीत बुमराह को बोर्ड ने ए प्लस कैटेगरी में बरकरार रखा है। बुमराह को ए प्लस कैटेगरी में देख लोगों ने बीसीसीआई से सवाल पूछे हैं, क्योंकि वह करीब 6 महीने से किसी भी तरह की क्रिकेट नहीं खेल सके हैं। हाल ही में उनकी पीठ की सर्जरी न्यूजीलैंड में हुई, हालांकि अब वह भारत लौट आए हैं और रिहैब कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2023 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हैं। उन पर 2023 वर्ल्ड कप से भी बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बुमराह की ए प्लस कैटेगरी में शामिल होना सवाल खड़ा कर रहा है। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच सितंबर 2022 में खेला था। तब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद में खेले गए T20 मैच में उन्हें पीठ पर चोट लगी थी, इसके चलते वह T20 वर्ल्ड कप जैसे अहम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। इसके बावजूद भी वह आगे भी किसी टीम इंडिया के लिए किसी सीरीज में नहीं खेल पाए। बुमराह करीब 6 महीने से टीम से बाहर है। उनके न खेलने के बावजूद बीसीसीआई ने उन्हें ए प्लस कैटेगरी में रखा है। ए प्लस कैटेगरी बीसीसीआई की स्पेशल कैटेगरी है, जिसके तहत खिलाड़ियों को एक सीजन में 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में ए प्लस कैटेगरी में देख क्रिकेट फैंस हैरान हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। कुछ क्रिकेट फैंस का कहना है कि बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर है, वह ए प्लस कैटेगरी में क्यों है? उनकी जगह मोहम्मद शमी को शामिल करना चाहिए। अब क्या लोगों के रिएक्शंस को देखते हुए बीसीसीआई कोई ठोस कदम उठा सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा।